Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. And today we are going to start chapter number 60. And the name of our chapter is Recreation. चलिए chapter start करते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे रिक्रिएशन के बारे में. व्हाई डू वी नीड रिक्रिएशन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे. और आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी. हाउ डू यू एंजॉय योर फ्री टाइम After finishing your homework, स्कूल से काम मिलता है, सब अपना होमवर्क फटाफट करना चाहते हैं. तो जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, आपके पास जो फ्री टाइम बचता है उसमें आप क्या करते हैं, तो दिए हुए स्पेस में आपको वो लिखना है. सब अलग अलग करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं. तो ऐसे ही आप लिखेंगे आप क्या करते हैं. नाउ वट इज रिक्रिएशन, रिक्रिएशन क्या होता है. We get tired after working or studying for long period. ज्यादा देर तक काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम सब थक जाते हैं. To refresh ourselves, we engage in fun activities with family and friends. This is called recreation. और उसके बाद हमें अपना माइंड और मूड फ्रेश करने के लिए हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्या करते हैं, कुछ फन एक्टिविटीज करते हैं. उसे हम कहते हैं रिक्रिएशन, जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं. व्हाई डू वी नीड रिक्रिएशन, हमें रिक्रिएशन की जरूरत क्यों है, तो चलिए बताते हैं. आफ्टर वर्किंग और स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आवर बॉडी एंड माइंड बिकम टायर्ड. रिक्रिएशन हेल्प अस रिलैक्स एंड कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव. वी एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटी ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम. तो बहुत सारा काम करने के बाद हमारी बॉडी और हमारा माइंड थक जाता है, तो रिक्रिएशन हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए. और हम क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं अपने फ्री टाइम में. वी लव गोइंग आउट फॉर पिकनिक एंड डिनर्स विद आवर फैमिली. वी एंजॉय लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरीज एंड प्लेइंग बोर्ड गेम विद आवर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग. All of these are recreational activities. Recreation can be done indoor and outdoor. तो हम लोग पिकनिक पे जाना और डिनर पे जाना पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. और हम क्या पसंद करते हैं, बेड टाइम स्टोरीज को भी. और हम कुछ ऐसे बोर्ड गेम्स खेलते हैं किसके साथ, अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ. तो ये सब क्या कहलाती है, recreational activities. और recreation इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट इंडोर रिक्रिएशन. इंडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर दोज वी डू इनसाइड आवर होम टू हैव फन. फॉर एग्जांपल, वी कैन प्ले बोर्ड गेम्स सच एज चेस, स्नेक एंड लैडर. कुछ एक्टिविटीज हम घर के अंदर करते हैं, उन्हें हम इंडोर रिक्रिएशनल कहते हैं. जैसे कैरम बोर्ड खेलना, कार्ड्स खेलना और चेस खेलना, ये सब हम कहां करते हैं, घर के अंदर करते हैं. सम ऑफ अस लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट. कुछ लोगों को ड्रॉ और पेंट करना अच्छा लगता है. कुछ लोगों को क्या अच्छा लगता है, फ्री टाइम में बुक्स रीड करना, बोर्ड गेम खेलना. जैसे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं. तो चेस क्या है, बोर्ड गेम है. सम ऑफ अस लाइक टू सिंग एंड डांस. और कुछ लोगों को क्या अच्छा लगता है, फ्री टाइम में सिंगिंग करना और डांसिंग करना. तो ये सब भी क्या है, ये सब भी इंडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्क्रैबल, सम ऑफ अस एंजॉय ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम. वी ऑल्सो एंटरटेन आवर सेल्फ बाय वॉचिंग टीवी, डांसिंग, सिंगिंग और स्पेंडिंग टाइम विद आवर फैमिली. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को फ्री टाइम में ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग करना अच्छा लगता है. तो ये सब क्या है, इंडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है. और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम को स्पेंड करते हैं.
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठकर बात करके उनको अच्छा लगता है, उनको रिलैक्स फील होता है. नाउ इंटरप्रिटेशन. द ओरिजिनल नेम ऑफ चेस वाज चतुरंगा और चतुरंगम, विच मीन्स वाइज और इंटेलिजेंट. दिस गेम वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया. नाउ वी विल लर्न अबाउट आउटडोर रिक्रिएशन. जो घर के बाहर होते हैं उन्हें हम आउटडोर रिक्रिएशन कहते हैं. कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो इंडोर नहीं हो सकती, वो घर के बाहर होती है, तो उन्हें हम आउटडोर रिक्रिएशन कहते हैं. आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर दोज वी डू इन ओपन स्पेस, खुली जगह में करते हैं. सम ऑफ अस एंजॉय प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स. कुछ लोगों को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है आउटडोर, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस. और कुछ लोगों को साइकिलिंग, स्विमिंग और स्किपिंग करना अच्छा लगता है. किस लिए? अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए. गोइंग फॉर अ वॉक टू गेट फ्रेश एयर इज ऑल्सो एन आउटडोर एक्टिविटी. दीज एक्टिविटी हेल्प अस स्टे एक्टिव एंड हेल्दी. कुछ लोगों को बाहर खुली हवा में घूमना अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है? वो एक्टिविटीज हैं जो हम ओपन स्पेस में करते हैं और घर के बाहर करते हैं. एडिशनल आउटडोर रिक्रिएशन इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक वॉचिंग मूवीज, गोइंग फॉर अ डिनर विद फैमिली, विजिटिंग द जू और अटेंडिंग अ सर्कस फॉर एंटरटेनमेंट. और कुछ और आउटडोर एक्टिविटीज हैं जैसे फैमिली के साथ लंच पे जाना, डिनर पे जाना, मूवी देखने जाना, सर्कस देखने जाना, तो ये सब भी क्या है? आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है. नाउ टाइम फॉर इंटरप्रिटेशन. There are some games which are played only in India. कुछ ऐसे games हैं जो सिर्फ भारत में ही खेले जाते हैं. Example, कबड्डी, खो खो, अताया पताया, मालकम and गिल्ली डंडा. ये सब सिर्फ इंडिया में ही खेले जाते हैं. Now I will tell you importance of recreational activities. कि recreational activities की क्या importance है? चलिए पढ़ते हैं. Recreation activities are very important for children for many reasons. ये activities बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. किस reason से? चलिए पढ़ते हैं. They help us relax and recharge before returning to work or study. ये हमें एकदम fresh रखते हैं, recharge करते हैं काम करने के बाद और पढ़ाई करने के बाद. Recreation activities क्या करती है? खुशियां लाती है, enjoyment लाती है. वीक लाई न्यू स्किल्स एंड नॉलेज. हम नई नई चीजें सीखते हैं और हमें नई नई चीजों की नॉलेज मिलती है इन सब एक्टिविटीज को करके. दे कॉन्ट्रीब्यूट टू आर फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस. इस तरह की एक्टिविटीज को करके हम अपनी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस को भी मेंटेन करते हैं. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल एंड मेक फ्रेंड्स. और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को करके हम नए लोगों से मिलते हैं और नए फ्रेंड्स को बनाते हैं. नाउ टाइम टू लुक ओवर. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हेल्प अस टू रिलैक्स एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी. इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. जिंदगी में खुशी, मौज मस्ती होना भी बहुत जरूरी है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या करती हैं? हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी लाइफ में क्या लाता है? रिलैक्स लाता है, एंजॉयमेंट लाता है. देयर आर मेनी इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी दैट पीपल एंजॉय. बहुत सारी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं. क्रिकेट, फुटबॉल आर आउटडोर गेम. प्लेइंग आउटडोर गेम्स मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रांग. आउटडोर गेम खेल के हम हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं. Now time to do some exercises. Choose the correct option. पहली एक्सरसाइज है, सही ऑप्शन को चुनिए. Which of the following is an outdoor game? यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम है, आपको बताना है कौन सा गेम आउटडोर गेम है. चेस, लूडो, कैरम या क्रिकेट. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रिकेट. नंबर टू, गोइंग आउट ऑन अ वॉक टू गेट फ्रेश. क्या हम बाहर जाते हैं क्या लेने फ्रेश? एयर, वाटर, सॉइल, ऑल ऑफ दीज. जब हम बाहर घूमने जाते हैं हमें मिलती है फ्रेश एयर. नंबर थ्री, वी गो आउट एंड हैव डिनर विद. हम बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं किसके साथ? टीचर, फैमिली, रिलेटिव्स या नन ऑफ दीज. तो हम अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाते हैं. नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम.
अब कुछ गेम्स के नाम हैं, आपको बताना है कौन सा इंडोर गेम है, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल या टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस क्या है? इंडोर गेम है। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प ऑफ। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हेल्प बॉक्स की हेल्प से। वी कैन प्ले गेम्स डैश इन आवर होम। हम अपने गेम्स खेलते हैं कहां पे? वी प्ले इंडोर, हम इंडोर गेम्स को घर के अंदर खेलते हैं। नंबर टू, वी लव गोइंग आउट फॉर अ पिकनिक एंड डैश विद आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर और कहां जाना पसंद करते हैं? हम पसंद करते हैं डिनर पे जाना। वी लाइक टू वॉच अ डैश इन आवर फ्री टाइम। फ्री टाइम में क्या देखना अच्छा लगता है? तो करेक्ट ऑप्शन है मूवी। नंबर फोर, चतुरंगा मीन्स वाइज, और चतुरंगा का मीन क्या होता है? वाइज एंड इंटेलिजेंट। वी गेट डैश आफ्टर वर्क। काम करने के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिक्रिएशन। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है अगर वो सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे। स्विमिंग एंड साइक्लिंग कैन हेल्प शार्पन आवर माइंड। यस, दिस इज ट्रू। नंबर टू, वी कैन मेक फ्रेंड्स व्हाइल डूइंग आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जब हम आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं तो हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। वी कैन हैव फन एट होम। हम अपने घर पर भी मौज मस्ती कर सकते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नंबर फोर एंड फाइव, यू विल डू बाय योर सेल्फ। सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट रिक्रिएशन। I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.